हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून ऑल। येस्टरडे ऑलरेडी वी लर्न हाउ टू डिवाइड टू डिजिट नंबर बाय वन डिजिट नंबर, दैट इज़ द वन नंबर क्वेश्चन एंड अल्सो अ टू नंबर क्वेश्चन सम एग्जांपल्स। बट नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द डिवाइड थ्री डिजिट नंबर्स बाय वन डिजिट नंबर्स, दैट इज़ द टू डिजिट क्वेश्चन फ्रॉम द पेज नंबर 22 एंड फ्रॉम अवर चैप्टर डिवीजन। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस लर्न द एग्जांपल्स। हियर वी हैव गिवन द एग्जांपल, दैट एग्जांपल नंबर 9। सॉल्व ए वन एग्जांपल दिया है 265 डिवाइडेड बाय 5। ओके, सो वी हैव टू अगेन द फॉलो द सेम स्टेप्स, दैट फॉलो दिस स्टेप्स टू डिवाइड थ्री डिजिट नंबर बाय वन डिजिट नंबर। सो लेट अस चेक आउट ऑन द पेज नंबर 23। ओके, हियर वी हैव गिवन द स्टेप्स एंड हियर दे सॉल्व द होल एग्जाम्पल्स हियर। ओके, तो किस तरह से एग्जाम्पल सॉल्व किया देखते हैं। स्टेप वन दिया है कि चेक इफ द 100 डिजिट ऑफ द डिवाइडेंड इज ग्रेटर दैन द डिवाइजर, इफ इट इज नॉट कंसिडर द टेंस डिजिट टू। इसका अर्थ ये लेना है कि अगर हमें क्या करना है यहाँ पर कि पहला नंबर चेक करना है। पहला नंबर अगर हमें डिवाइजर से क्या है बिगर है तो हमें 5 के टेबल में उस नंबर के पास का नंबर देखना है। अगर ये नंबर क्या है 5 से छोटा है तो हमें दोनों नंबर यहाँ पर क्या करने हैं कंसिडर करने हैं पकड़ने हैं और उनके पास वाला नंबर 5 के टेबल में क्या करना है ढूंढना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो 2 इज नॉट ग्रेटर दैन 5, सो कंसिडर द 26। तो हमने क्या किया कंसिडर 26 किया। नाउ फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द टू डिजिट नंबर ऑफ द डिविडेंड, राइट द क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर देखो तो हमें कौन सा नंबर मिलता है 26 को अगर हमने कंसिडर किया तो हमें नंबर मिलता है 5 5 ज़ार 25। देखो 5 4 ज़ार तो 20 होता है लेकिन 5 5 ज़ार होता है 25, 5 6 ज़ार तो 30, वो तो बिगर होगा 26 से तो वो नहीं चलेगा। बट 5 5 ज़ार 25 ये नंबर 26 के क्या है पास वाला है, सबसे क्लोज है और उससे छोटा है, तो दैट नंबर वी मस्ट हैव टू टेक द हियर और उसका क्वेश्चन हम लिखते हैं ऊपर, दैट इज द 5 5 ज़ार 25। सो 25 आएगा यहाँ पर। अब करना है हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्शन 6 माइनस 5। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे हम यहाँ पर 6 माइनस 5। तो देखो अगले स्टेप में उन्होंने दिया है सब्ट्रैक्शन करते हुए। स्टेप 3 है सब्ट्रैक्ट एंड राइट द डिफरेंस। हमें क्या करना है डिफरेंस लिखना है। 6 माइनस 5 आता है 1, 2 माइनस 2 आता है यहाँ पर 0। ठीक है, तो अगेन अगर आप चेक करते हो तो 1 ये नंबर है, ये क्या है यहाँ पर 5 से स्मॉलर है। ठीक है, सो हमें क्या करना है ऊपर का जो 5 नंबर है वो करना है, हमें लेना है नीचे, दैट इज द टेक डाउन द नंबर। सो यहाँ पर दिया है उन्होंने देखो स्टेप 4 में चेक इफ डिफरेंस इज लेस देन डिवाइजर, इफ इट इज ट्रू देन, इफ इट इज फॉल्स द डिवीजन इज इनकरेक्ट। लेकिन अगर ये ट्रू होता रहा है हमारा तो हमारी डिवीजन क्या है करेक्ट है। तो देखो यहाँ पर 1 नंबर क्या है ऑलरेडी लेस है 5 से, सो ये हमारा ट्रू हो गया। अगले स्टेप में आएंगे तो हम क्या करेंगे ब्रिंग डाउन दिस नंबर, ये नंबर हमें लेना है नीचे, सो हमारा नंबर हो जाता है यहाँ पर 15। देन हमें बोलना है 5 का टेबल, तो हमें पता है देखो 5 3 ज़ार 15, सो यहाँ पर नंबर नहीं मिलता है हमें 3 ज़ार और ये 15 नंबर मिल जाता है। सो वी हैव टू राइट डाउन द 3 ओवर हियर, दैट इज 5 3 ज़ार 15। और अगले स्टेप में उन्होंने दिखाया होगा देखो आपको कि 3 लिखना है ऊपर और यहाँ पर 15 माइनस 15 आता है आपका आता है 0। और चेक करना है ये जो नंबर आता है यहाँ पर या जो कुछ नंबर आएगा यहाँ पर ये नंबर क्या होना चाहिए हमारे डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो गई हमारी डिवीजन कंप्लीट। तो 5 और हमारा क्वेश्चन आ गया देखो यहाँ पर 53, 5 है हमारा डिवाइजर, 265 है हमारा यहाँ पर डिविडेंड और 0 है हमारा यहाँ पर रिमाइंडर। तो यहाँ पर चेक करना है आपको, चेक क्या करना है इफ़ रिमाइंडर इज लेस देन डिवाइजर इज ट्रू स्टॉप द डिवीजन। अभी यहाँ पर डिवाइजर से क्या आया है लेस आया है तो यहाँ पर डिवीजन क्या करनी है स्टॉप करनी है। नाउ राइट द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, क्वेश्चन लिखना है यहाँ पर 53, रिमाइंडर आया यहाँ पर 0। नाउ चेक इफ डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। तो चेक करते हैं, चलो यहाँ पर चेक करना है तो 5 3 ज़ार 15, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 5 5 ज़ार 25।
और प्लस 126, दैट इज द 265 प्लस 0 इज इक्वल टू 265, सो 265 इज इक्वल टू 265, सो यस हमारे डिवीजन यहाँ पर आ गई कंप्लीट और करेक्ट आ गई। नाउ उसी तरह से ही तो यह जो स्टेप हमने यहाँ पर देखी तो वही स्टेप्स का इस्तेमाल करते हुए हमें यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। चलो एक एग्जांपल्स यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ और किस तरह से यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो पहले तो नंबर चेक करना है, ये नंबर टू, टू को चेक करेंगे तो टू ये क्या है, नंबर फोर से स्मॉलर ही है ऑलरेडी, तो स्मॉलर नंबर है तो हमें 24 कंसीडर करना है। अब 4 के टेबल में 24 आते कि नहीं चेक करना है, नहीं तो उससे छोटा नंबर हमें लेना है, ठीक है। अगर हम चेक करते हैं तो 4 5 20, ओके, एंड 4 6 आता है हमारा 24, तो यहाँ पर आएगा हमारा क्वेश्चन 6 और यहाँ पर आए लिखेंगे हम 24, ठीक है। तो अभी इस 24 को 24 से हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 4 - 4 आता है आपका ऑलरेडी 0, ओके, एंड 2 - 2 भी आता है आपका ऑलरेडी 0। सो अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, सो नेक्स्ट स्टेप में अभी आपको 0 जो नंबर है वो भी क्या आपका लेस है 4 से, तो यहाँ पर ऊपर का जो नंबर है दैट वी हैव टू टेक कैरी डाउन। तो यहाँ पर ये नंबर लेते हैं हम, यहाँ पर तो यह नंबर लिया हमने, देखो यहाँ पर 4, तो अब 4 के टेबल में तो 4 आता है, तो 4 1 4, सो यहाँ पर लिखना है नंबर 4, 4 - 4 आ जाता है आपका यहाँ पर ये 0, ठीक है। सो व्हाट इज़ योर आंसर, यस आवर आंसर इज़ द 64। तो डिविडेंड क्या था हमारा, डिविडेंड था हमारा 244, ओके, ये हमारा डिविडेंड था। डिवाइजर क्या है, डिवाइजर है हमारा जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वो, दैट इज़ द नंबर 4। क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या आया था हमारा, यस क्वेश्चन आया यहाँ पर 61, और रिमाइंडर, रिमाइंडर आ गया यहाँ पर नंबर 0। ओके स्टूडेंट्स, इन द सिमिलर वे वी हैव दिस एग्जांपल आल्सो। चलो ये भी एग्जांपल सॉल्व करते हैं, किस तरह से करना है चेक करो। पहला नंबर, वो नंबर डिवाइजर से बिगर है या स्मॉलर है चेक करो, तो ये स्मॉलर ही है नंबर है। चलो फिर हमें कंसीडर करना है 37। अब यहाँ पर 9 के टेबल में 37 के पास वाला नंबर देखना है, ठीक है। सो 9 1 1, 9 2 18, 9 3 27, एंड 9 4 36, ओके स्टूडेंट्स। तो देखो 9 4 36 हमें लेना है यहाँ पर 36 नंबर, तो हमने 36 नंबर ले लिया। अब यहाँ पर करना है यहाँ सब्ट्रैक्शन, 7 - 6 होता है यहाँ पर 1 और 3 - 3 होता है यहाँ पर 0। अब ऊपर से नंबर 8 क्या करना है हमें, टेक द डाउन, तो नंबर 8 मतलब 18 हो जाएगा यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, ये जो नंबर 18 है उसके पास वाला नंबर ढूंढना है 9 के टेबल में, नहीं तो उसके इक्वल ढूंढना है। तो हमें पता है 9 1 9 एंड 9 2 18, सो 9 2 18, इसलिए 2 यहाँ पर और यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर 18, ठीक है। 8 - 8 तो हो गए 0 एंड 1 - 1 हो गए यहाँ पर अगेन 0। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा ये डिविडेंड था, ये क्वेश्चन आ गया, ये डिवाइजर था और रिमाइंडर आ गया यहाँ पर 0, ठीक है। इन द सेम मैनर वी हैव टू राइट डाउन लाइक दैट, डिविडेंड इज द 378, ओके, डिवाइजर इज द नंबर 9, क्वेश्चन आया था हमारा नंबर 42 एंड रिमाइंडर आया था यहाँ पर नंबर 0। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल सॉल्व किए, देखो यहाँ पर जितने भी हमें क्वेश्चन मिले हैं वो कैसे है, 2 डिजिट के क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पर इस एग्जांपल में भी 2 डिजिट का क्वेश्चन आया है और इस एग्जांपल में भी 2 डिजिट का क्वेश्चन आया है। इन द सिमिलर वे नाउ लेट अस लर्न द 3 डिजिट क्वेश्चन एग्जांपल्स। तो चलो ये भी सेम स्टेप से आपको करना है, चेकआउट करना है कि किस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो फिर ये जो सॉल्व एग्जांपल्स है वो मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। अल्सो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको सेंड करने वाला हूँ आपको एज अ वर्कशीट, सो दैट एग्जांपल बट यू हैव टू डेफिनेटली सॉल्व इन योर मैथमेटिक्स नोटबुक स्टूडेंट्स। सो नाउ लेट अस डू दैट। यहाँ पर देखो नंबर 9 तो यहाँ पर 8 से क्या है, ग्रेटर है, तो हम वही नंबर लेंगे। सो 8 1 8
तो यहाँ पर हम 8 ले सकते हैं। तो 9 में से 8 गए, रह गया नंबर आपका 1। अब 1 तो नंबर लेस है यहाँ पर 8 से, तो ऊपर से लेना है यहाँ पर ये नंबर डाउन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नंबर 18। और सो नाउ अगेन वी हैव टू कॉल द 8 टेबल्स। सो 8 वन्स आर 1, 8 टूज आर 16, सो एंड 8 थ्रीज आर 24, सो वी हैव टू टेक द नंबर 8 टूज आर 16, सो 16 हियर। सो नाउ लेट अस डू द सब्ट्रैक्शन अगेन। 8 माइनस 6 इज द 2, 1 माइनस 1 इज द 0। टेक नाउ 4 नंबर डाउन, ओके, ओवर हियर। सो नाउ वी हैव द नंबर 24। 24 नंबर है, तो 24 टेबल 8 के टेबल में कब आता है बोलो? 8 वन जार 1, 8 टू जार 16, 8 थ्री जार 24। सो यहाँ पर आएगा 8 थ्री जार, सो यहाँ पर लिखना है 24। 4 माइनस 4 आता है 0, 2 माइनस 2 आता है 0। बट स्टूडेंट्स, हियर वी गेट द 3 डिजिट क्वेश्चन। सो इस तरह से हमने एग्जांपल सॉल्व किया। लेट अस राइट डाउन द डिविडेंड। डिविडेंड था यहाँ पर हमारा 984, ओके। यहाँ पर डिवाइजर था नंबर 8, क्वेश्चन था हमारा आया नंबर 123, एंड रिमाइंडर आया था यहाँ पर 0। रिमाइंडर का आ गया 0। इन द सिमिलर वे वी डू हैव दिस एग्जांपल। लेट अस सॉल्व, 9 इज आल्सो बिगर नंबर, सो 5 वन्स आर 5, सो 9 में से 5 गए, रहे कितने गए? यस, नंबर 4 इज देयर। अगेन वी हैव टू टेक द ऊपर वाला नंबर लेना है नीचे, सो वी गेट द 6। नाउ 5 का टेबल हमें बोलना है 46 है, तो 45 का आते हैं 5 के टेबल में। सो हमें पता है 5 9 जार 5 8 जार 40 एंड 5 9 जार 45, सो हियर द 9 जार एंड द 45। और यहाँ पर 6 माइनस 5 होता है 1 एंड 4 माइनस 4 इज द 0। अगेन वी हैव टू टेक डाउन दैट नंबर 5 ओवर हियर। सो नाउ वी गॉट द नंबर 15, 5 3 जार 15, 5 2 जार 10 एंड 5 3 जार 15, सो 5 5 माइनस 5 0, 1 माइनस 1 0। सो हियर अगेन आवर डिविजन इज कम्प्लीटेड। वाई? बिकॉज दिस नंबर रिमाइंडर इज द नाउ लेस दैन आवर डिवाइजर। डिविजन कम्प्लीट हो गई। चलो फिर यहाँ पर लिख देते, डिविडेंड था हमारा 965, ओके, डिवाइजर था यहाँ पर हमारा नंबर 5, क्वेश्चन आया था हमारा 193 एंड रिमाइंडर आया यहाँ पर 0। सो देखो यहाँ पर दोनों एग्जांपल्स में अगर हम चेक करते हैं तो हमारा क्वेश्चन आया था 3 डिजिट नंबर, ओके स्टूडेंट्स। सिमिलरली आई विल सेंड यू सम एग्जांपल्स लाइक दैट, दैट एग्जांपल्स एंड आल्सो दिस एग्जांपल यू मस्ट हैव टू सॉल्व इन योर, ये एग्जांपल यहाँ पर ही कंप्लीट कर देना है। बट द जो एग्जांपल्स वर्कशीट में दिए गए हैं वो आपको सॉल्व करने हैं आपके मैथमेटिक्स के नोटबुक्स में, ओके स्टूडेंट्स। बाय फॉर नाउ, नेक्स्ट पार्ट वी विल लर्न इन नेक्स्ट वीडियो, ओके। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।